आंस इतनी बुरी चढ़ गई है, ये होता है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते। रियल एंजॉय जो कि बिल्कुल यही रियल एंजॉय होता है जो दोस्तों के साथ होता है, बस और किसी के साथ नहीं हो सकता। मुंह पर देखो कितनी बड़ा पर है, ड्रैग सीधी पर। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये है जी हमारे होटल का व्यू। सो यार हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं, हम आते साथ ही सो गए थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, और दूसरा ये कि जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने सारी रात ट्रेन में हमें सोने नहीं दिया। तो जैसे ही हमें होटल मिला है हमने जो है वो बैग्स वगैरह फेंके और हम सो गए। अब हम उठे हैं तकरीबन 1 से 1.5 बज गया और ये सारे जो है रेडी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं GPO मान रोड पे, वहाँ पे जाके हम नाश्ता वगैरह करेंगे और साथ पिक्चर्स वगैरह खींचेंगे। तो हम आ गए हैं मेन मॉल रोड के ऊपर। अभी आपने देखा है कि GPO पे जरा सा धरना वगैरह होता है, वहाँ पे शोर है, से वहाँ पे व्लॉग नहीं कर रहा। तो अब यहाँ से हमें थोड़ी सी चीज़ें वगैरह चाहिए, वो हम लेंगे। नाश्ता आ गया, तो नाश्ता आ गया यार। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा नाश्ता है, मज़ेदार है कि नहीं है। Few moments later. नाश्ता करके हम जा रहे हैं अब कश्मीर पॉइंट। अब वहाँ पे आगे व्यू से आते हैं, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है तो अगर बात भी उठना है तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बहुत जल्द जो है वो स्नोफॉल शुरू हो जाएगी, बादल है, हैवी बादल है। और ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने स्नोफॉल देख के सारी रात जागेंगे, 12 बजे जाएंगे चाहे हमें नहीं नहीं बस आधे घंटे से हम जो कंटिन्यूसली वॉक कर रहे हैं और हम ऊपर को जा रहे हैं। बस दिल कर रहा था, हमारे बीच में है एक बट साहब, उनका दिल कर था पैदल जाने को, तो बस हालत तो अभी से बुरी होने लग गई है। यहाँ से व्यू आएंगे अच्छे अच्छे पिक्स के लिए, यहाँ पे पिक्स बहुत अच्छी आएंगी, इसलिए हम जो है वो नीचे रोड से ऊपर यहाँ तक आए हैं। और सांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें जो है चल गया है, बाकी ये व्यू बहुत लेवल है। सांस इतनी बुरी चढ़ गई है, ये होता है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते। तो यार अब हम शूट वगैरह करके यहाँ से नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, ध्यान से। ओ भाई यार बहुत डर लग रहा है कसम से, बस स्लिप हो गए, ध्यान से यार मजाक ना करो। बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं क्योंकि ये आप देख रहे हैं जो पाँव है वो पूरा पूरा अंदर उतर गए जी, उतर गए फाइनली फाइनली। चलो जी फाइनली नीचे उतर गए हैं रोड पे, अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं। चलो आगे बैठ गए, ये लोग यहाँ पे हवा की स्पीड चेक करेंगे, हवा की स्पीड कितनी ज़्यादा है। और ये है यहाँ का व्यू, हम इस वक्त कश्मीर पॉइंट में खड़े हैं और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है यार। ये हम इस दूरबीन से देखने लगे हैं वो सामने कश्मीर की जो बर्फ़ वाली पहाड़ी है, क्या नजर आता है यार, बहुत क्लियर नजर आ रही है। आप जब भी यहाँ भी आए ठीक है, तो दूर भी अपनी साथ ले यहाँ से लेनी हमने, तो यहाँ से ली। पीछे ठंड लग रही बहुत। मज़ेदार है इसके ऊपर यार। अब हम जा रहे हैं वापस GPO मॉल पे अपने होटल में, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं नीचे अपने होटल में। यार हम जा रहे हैं वापस अपने होटल में, अब इंशाल्लाह जैसे ही स्नोफॉल शुरू होगी हम लोग बाहर निकलेंगे, आपको व्यू दिखाएंगे, खुद भी इंजॉय करेंगे। बाकी अब यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, और दूसरा ये कि
टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, मतलब शाम होने वाली है, आप देख सकते हैं। Few moments later. वो हम लोग पहुंच गए हैं माल रोड के ऊपर दोबारा से, बहुत जल्दी से आए हैं, मैं इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी से आएंगे, बट काफ़ी जल्दी से हम आए हैं। और अब हम जाएंगे अपने होटल में, होटल में जाके हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर अगर इंशाल्लाह आज अगर स्नोफॉल होती है तो उसका आपको व्यू वगैरह दिखाएंगे। सो यार अब हम वापस आ गए हैं अपने होटल में, अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाकी अभी तक तो सब कुछ क्लियर, अब रात को देखें क्या होता है। 2 hours later. Finally, snowfall शुरू हो गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि स्नोफॉल बहुत तेजी से शुरू हो गई है यहाँ पे और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे भंगड़ा शंगड़ा शुरू हो गया है, वहाँ पे मालदीवियों में बहुत दिखा हो गया। तो यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी जीपियों का जो व्यू है, स्नोफॉल जोरों से जारी है और हमारे बच्चे घूम जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर घूम जाते हैं, फिर मिल जाते हैं। एक बड़ा बच्चा वो पीछे छुपा हुआ है। Few moments later. So यार अभी हम आए हैं डिनर करने के लिए, क्या होटल का नाम है? होटल का लोला पुली नाम है इस होटल का, और वैसे दिखने में तो काफी अच्छा है व्यू, और यहाँ से देखिए बारिश स्नो भी हो रही है, लाइव नजर आ रही है। और अभी खाना आएगा और उसके बाद हम आपको खाना दिखाते हैं, यहाँ की कढ़ाई हमने ऑर्डर की है। सो यार खाना आ गया, खाना खाते हुए बोलते नहीं है और ना ही वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ठीक है? तो आप वेट करें। Few moments later. बस कर दे। बस कर दिया। अरे सारे फारिग हो गए हैं, खा लिया? मैं 10 मिनट से फारिग हूं। ओए टिश्यू तूने कहां पे छुपाया? टिश्यू बता पहले। पॉकेट में टिश्यू ही है, अब वो सामने देख रहे हैं, मैं दिखा नहीं सकता। दिखा ओए यार, इस बंदे ने देखो, इस बंदे ने टिश्यू चाप किए हैं, ये देख। क्या देना? 1937 रुपए। सो यार हम लोग जा रहे हैं अब वापस, और ये स्नो आप देख रहे हैं इधर, हम अभी इधर अभी हम स्नो फाइट करेंगे हम सब मिलके। उत्तर के उत्तर लेने नहीं मैं रुक जा। भाई मैं बीच नहीं आया, मैंने एवं डगड़ी जा रहे हो बीच, वो देखे ये होता है रियल एंजॉय, जो कि बिल्कुल यही रियल एंजॉय होता है, जो दोस्तों के साथ होता है बस, और किसी के साथ नहीं हो सकता। मुंह पर देखो कितनी बड़ा पर, ये डायरेक्ट सीधी पर बगैर ताज भी सारे ये होता है रियल एंजॉय। ओए एक मिनट ओए मोबाइल है यार। सो यार इधर हम कर रहे हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि बड़ोबड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और दूसरा ये कि यहाँ की जो रोड्स वगैरह हैं वो देखें, वो ये गाड़ियाँ वगैरह जो ना वो फंस रही हैं, इसलिए हम अब व्लॉग को एंड कर रहे हैं क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हो गया है, और दूसरा ये कि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। बहुत ज़्यादा हो गया है, चले दोस्त भी आ गए हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, कल की वीडियो आएगी। अल्लाह हाफिज़।